जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम प्रस्तावित है 17 अगस्त से। तो इस समय आप जितना भी पढ़े हैं उसको समेटने का काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात बता देंगे, ये ध्यान पूर्वक देखेंगे और मैं एक ऐसा सटीक बताऊंगा कि आपका करंट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कहीं अब आप समय 2 घंटा वीडियो देखने में ना बिताएं, 4 घंटा करंट पढ़ रहे हैं ये सब ना करें। केवल और केवल 1 घंटा आप समय देते हैं करंट पे, तो आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी 100% गारंटी है। यदि आपका छूट गया तो आप पुनः मेरे पास कॉल करके कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर दूंगा। एक अंक भी नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी 100% गारंटी है, यदि मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कैसे आप तैयारी करेंगे, तो आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस बात को ध्यान पूर्वक अंत तक देखेंगे। ग्रुप डी विद्यार्थी जो भी है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका एक करेंट नहीं छूटेगा यदि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, यदि आपको एग्जाम टूर पर विश्वास है। चूंकि आप सबके लिए एग्जाम टूर हमेशा से पॉजिटिव और सही दिशा देने का काम करता है, इसलिए एग्जाम टूर के साथ जुड़ जाए। सबसे पहले देखेंगे योजना व कार्यक्रम से प्रश्न पूछेगा, लेकिन योजना और कार्यक्रम इतना है कि आपको मालूम नहीं चलेगा कितना आप रटिएगा, तो उसमें कुछ भी आई है जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये योजना और कार्यक्रम बार बार पूछा जाता है और इसी योजना और कार्यक्रम से आपके वही प्रश्न आएगा, तो उसके लिए क्या करना है इस बात को समझेंगे। तो योजना से आपका आएगा, जनगणना से रहेगा, एप्लीकेशन और पोर्टल से रहेगा यानी कि ऐप और पोर्टल से रहेगा, सम्मेलन से दिया जाएगा, महोत्सव से दिया जाएगा, समारोह से दिया जाएगा, चर्चित स्थान से पूछा जाएगा, कोई स्थान चर्चा में आया है तो उसके बारे में पूछा है, कला व संस्कृति से रहेगा, जीआई टैग से दिया जाएगा। एक दो को अगर स्किप भी किए होंगे तो आपको मैं बताऊंगा, उसको देखिएगा अंत तक। उसके बाद बजट आर्थिक सर्वेक्षण पुरस्कार सम्मान पुस्तक लेखन खेल खिलाड़ी रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक चर्चित व्यक्ति और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुकी चुनाव हुआ है। अब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे इस बात को, इससे बाहर करंट नहीं रहेगा। कोई बोलेंगे यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो उसके लिए मैं जो उपाय किया हूं उस उपाय को जरूर समझे। अब मान लिया जाए जनगणना है, जनगणना बड़ा है ये नहीं कि बहुत छोटा है, लेकिन आपको याद होगा। सम्मेलन, एक दो जगह सम्मेलन नहीं हुआ इस बात को आप जाने। आगामी खेल कहाँ आयोजित होगा, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड कौन सा गेम, एशियन गेम कहाँ होगा, कौन गेम पहले हुआ, एक्स वाई जेड बहुत बड़ा हो जाता है। रिपोर्ट में किस सूचकांक में किसका कौन सा स्थान है, उसमें भारत का क्या स्थान है, प्रथम स्थान कौन है, क्या किस, ये सब। चर्चित व्यक्ति, कौन व्यक्ति चर्चित में आ गए, कौन व्यक्ति मृत हो गए, कौन व्यक्ति, इन सारे चीज से आपको प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति से तो जीआई टैग जितना मिला है उससे पूछा जाएगा। अब देखिए इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को आपको करना है, लेकिन इतना ही से रिलेटेड ग्रुप डी विद्यार्थी इसी को रिवाइज करेंगे। और यदि आप इसको रिवाइज करते हैं तो गांठ मान के रख ले कि करेंट का एक प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, करेंट का एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस बात को समझेंगे। यदि मान लिया जाए आपसे पूछा जाए कि कोई गेम 2026 में कहां आयोजित होगा, कोई गेम 2027 में कहां आयोजित होगा, कोई गेम 2025 में कहां आयोजित होगा, या अमुक क्रिकेट के विजेता कौन है, विश्व कप के, एक्स वाई जेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो इसको आप कैसे डील करेंगे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे बखूबी। अब देखिए आप इस बात को जानते हैं कि जो हमारा एनटीपीसी का एग्जाम हुआ या जो भी एग्जाम हुआ उसको टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराएगा, वह प्रीलिम्स का एग्जाम हो यानी कि सीबीटी 1 का एग्जाम हो या सीबीटी 2 का एग्जाम हो, इस बात को समझेंगे। टीसीएस द्वारा आयोजित किया गया, तो टीसीएस जो करेंट पूछती है या एमटीएस जो हुआ या कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, ये नहीं कि सब टीसीएस करा है, लेकिन जो भी एग्जाम हो रहा है जो टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है, आप रेलवे को ही देख लें, तो उसमें जो करेंट पूछा गया, ऐसा नहीं है कि सब करेंट पुराना हो जाता है। अब यदि आपसे पूछा गया कि एशियन गेम कहाँ होगा, तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि एशियन गेम कहाँ होगा। पैरा ओलंपिक में कितना पदक भारत जीता, तो ये एनटीपीसी में पूछा गया, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। और आप इस चक्कर में ना पड़े कि कितना करंट पढ़े, करंट का कोई था है
डेली करंट आ रहा है, कितना पढ़िएगा इसके लिए मैं जो बता रहा हूं, उस रास्ते पर चले और अपने सपने को साकार करें। यह नहीं है कि मैं बहुत पढ़ लिया तो मेरा रिजल्ट हुआ, यह है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ू, इस बात को आपको जानना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि मुझे करंट में भी क्या पढ़ना है, मैं कितना पढ़ू कि इससे मेरा कल्याण हो जाए, तो यह बात आप जाने। यह नहीं कि मैं 2 घंटा का वीडियो देख रहा हूं डेली वीडियो देख रहा हूं, डेली 1 घंटा दे रहा है, मिल क्या रहा है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहां पे आपसे बता दें, सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी के लिए ये आपका रामबाण होगा। यदि आप चाहते हैं रिजल्ट लेना चाहते हैं, करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, तो आप वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर 1.5 साल का है, इसमें 1500 क्वेश्चन है, 1200 ऐसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको रट लेना है जिसमें से आपको लगभग याद होगा, लेकिन फिर भी 1200 ऐसा प्रश्न है जो TCS एग्जाम के द्वारा, TCS जितना भी रेलवे में कंडक्ट कराया गया है उस एग्जाम में करंट पूछा गया है। तो इस करंट को आप 100% देखेंगे, उसके बाद ये दोनों को मिलाकर सेट प्रैक्टिस बनाया गया है, 80 सेट प्रैक्टिस 1600 प्लस क्वेश्चन का, तो उस सेट को लगा लेंगे। यदि अभी भी आप डेली 1 घंटा देते हैं तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। अब कोई बोलेंगे इतना हो गया, आप डेली 2 घंटा देते हैं ऑनलाइन, और केवल मैं इस बुक से बोल रहा हूं कि आपको 1 घंटा देना है, देखिए दोनों में कितना सेट का अंतर होता है, दोनों में आपको कितना ज्ञान मिलता है। यदि आप एक दिन में केवल और केवल आप मात्र और मात्र याद करते हैं 100 ही प्रश्न रिवाइज करते हैं, जो कि आपको तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन देखिए ये अंतर क्या है, जब आप TCS वाला रिवाइज कीजिएगा तो लगेगा कि हम वास्तव में करंट पढ़ रहे हैं, जो पूछा जाता है उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी तो आंध्रा का लाठी आपको मरना है, जितना करंट है उसमें से कौन पूछेगा, कल्याण नहीं है, लेकिन आपको तो यहां अनुभव होगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। आपको तो ये अनुभव होगा कि एशियन गेम अगला कहां आयोजित होगा, आप ये पढ़िएगा कि SS कप कौन जीता, आप ये इसमें जब पढ़िएगा कि किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये आप पढ़िएगा कि किस राज्य से किसको GI टैग मिला, तो आपको यहां लगेगा कि हाँ हम जो पढ़े हैं वह इसमें अब याद कर रहे हैं। चूंकि देखिए ये 1200 में से 100% है कि आपके एग्जाम में 5 प्रश्न रिपीट करेगा, 1200 जो प्रश्न है उसमें से 5 से 7 रिपीट करेगा। मान लिया जाए आप में 5 ही प्रश्न पूछा गया, 5ों आप मार के आइएगा, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करेगा, बाकी तो आप डेली करंट पढ़िए रहे हैं, लेकिन इसको ले लेंगे। ये रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया है, मार्केट में उपलब्ध है, आप बुक ले सकते हैं। ग्रुप डी विद्यार्थी के लिए करंट अफेयर इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी TCS के द्वारा पूछे गए सवाल को, सभी TCS के द्वारा पूछे गए करंट अफेयर को। अब आप बोलिएगा सर पुराना करंट अफेयर क्या आप करेंगे पढ़ के, तो मैं बता दूं 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, 1.5 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, आप इस बात को जानते हैं तो 20 से 22 तक आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक बात आप जान जाए कि आपको मैं बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी ग्रुप डी वाले हैं इसमें काला टक्कर रहता है, पिछला रिजल्ट देखें या कभी रिजल्ट देखें, तो आपके लिए एक एक अंक बटोरना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आप कभी ना पीछे हटे कि मेरा ये कमजोर है तो करेंट अफेयर में इससे कर ले। अगर किसी विद्यार्थी को लगे कि ये बुक हम नहीं लेंगे, तो ये जो डाला गया है, ये जो लिखा गया है 16-17 पॉइंट, इसको जरूर याद कर ले। मैं इसी तरीका से आपको मैथ्स में बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन चैप्टर वर्तमान में रिवाइज करना चाहिए, रीजनिंग में बताऊंगा कौन कौन चैप्टर आपको रिवाइज करना चाहिए, GK GS में भी बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर आपको कंठस्थ करना चाहिए, उस टॉपिक को नोट करके और पढ़े। आप कहीं से पढ़े हैं लेकिन योजना और कार्यक्रम जरूर पढ़ेंगे, जनगणना जरूर रिवाइज करेंगे, एप और पोर्टल जरूर रिवाइज करेंगे, सम्मेलन जरूर देखेंगे, महोत्सव जरूर देखेंगे, समारोह जरूर देखेंगे, चर्चित स्थल जरूर देखेंगे, कला व संस्कृति से प्रश्न आ रहा है उसको जरूर देखेंगे, GI टैग से आएगा उसको जरूर देख लेंगे, बजट व आर्थिक सर्वेक्षण से इसको जरूर आप देखेंगे, पुरस्कार सम्मान को देखकर जाएंगे, पुस्तक व लेखक यानी कि नया पुस्तक और लेखक, खेल खिलाड़ी से संबंधित कौन खेल कहां आयोजित होगा, कौन खिलाड़ी किस पुरस्कार को जीते, ये सब किस मेडल को कितना लाया गया, सभी खेल इसमें आ जाएंगे, रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक देख लेंगे, चर्चित स्थल देख लेंगे, चर्चित व्यक्ति देख लेंगे, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और दूसरी बात बता दें सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है इसको जरूर देखेंगे, और प्रथम स्थान पर कौन है इसको जरूर देखेंगे, प्रथम स्थान नहीं भी देखें लेकिन भारत का रैंकिंग जरूर देखेंगे। यदि आप इतना मेहनत से बचना चाहते हैं तो आपके लिए यह बुक रामबाण होगा, TCS के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब आप बोले मुझे से
मेरे से कि जो 23 में या 24 में या 27 में या आगे आगामी स्तर खेल का आयोजन होगा वह थोड़े बदलेगा। तो इसमें उसको आप याद करिएगा जो बार बार पूछा जा रहा है। तो एक बात आप जानते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आप इसे करंट का रिवीजन कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए सब कुछ स्किप करके करंट का रिवीजन बाहर जो आप समय देते हैं 6 से 7, देखिए अब एक आप रणनीति के तहत चलना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा करंट में दे। आप इतना दिन से प्रैक्टिस किए हैं, एक ही अब सेट प्रैक्टिस करें तो भी काम चलेगा, लेकिन रिवीजन करने का काम करें। रिवीजन से जितना आप समेट लेंगे आपके लिए कल्याण का काम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।